बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ेंगे क्लेन थ्योरी फॉर यूनिमोलिकुलर रिएक्शंस। क्लेन थ्योरी फॉर यूनिमोलिकुलर एंड बायोमोलिकुलर रिएक्शंस पढ़ने से पहले हमें क्लेन थ्योरी का थोड़ा सा कंसेप्ट लेना पड़ेगा। क्लेन्स क्या होती हैं और क्लेन थ्योरी किस लिए पुट फॉरवर्ड की गई। कोई भी मॉलिक्यूल जब वो रिएक्ट करता है उसके लिए उसे कोलाइड करना ज़रूरी है, यानी मॉलिक्यूल्स जब तक आपस में कोलाइड नहीं करेंगे वो रिएक्ट नहीं कर पाएंगे, प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होंगे। तो क्लेन्स जो हैं वो मॉलिक्यूल्स का आपस में टकराना है इन ऑर्डर टू कन्वर्ट इनटू द प्रोडक्ट। तो क्लेन्स जो हैं वो दो तरह की हो सकती हैं, इफेक्टिव भी हो सकती हैं, नॉन इफेक्टिव भी हो सकती हैं। जब मॉलिक्यूल्स मोशन में हैं, वो कोलाइड कर रहे हैं विद ऑल द मॉलिक्यूल्स सराउंडिंग देम, तो क्या होगा कि कुलियंस तो हो रही हैं बहुत सारी, लेकिन उसके नतीजे अगर कुलियंस बहुत हो रही हैं तो क्या वो तमाम कुलियंस के नतीजे में प्रोडक्ट बन रही है? नहीं, ऐसा नहीं होता। प्रोडक्ट सिर्फ उन कुलियंस के नतीजे में बनती हैं जो इफ़ेक्टिव होती हैं, वरना जितनी भी अगर एक सेकंड में 10 कुलियंस हो रही हैं तो ज़रूरी नहीं कि 10 की 10 कुलियंस जो हैं वो प्रोडक्ट में उसका रिजल्ट प्रोडक्ट के फॉर्म में आ जाए। उसमें से 2 हो सकता है कुलियन ऐसी हों जिससे प्रोडक्ट बने, या 3 ऐसी हों बाकी सारी जो हैं वो फ्रूटलेस होंगी। अच्छा ये देखें जी, ये 2 मॉलिक्यूल्स आपस में कोलाइड कर रहे हैं और 2 पॉसिबिलिटीज़ हैं, या तो उनके क्लियन के नतीजे में प्रोडक्ट बन जाए या फिर वो बाउंस बैक हो जाएं, एक दूसरे को एनर्जी ट्रांसफ़र करें या उन कोई चेंज ना आए उनके, और लेकिन मोमेंटम में चेंज आ जाएगा, वो डायरेक्शन उनकी चेंज हो जाएगी और वह बाउंस बैक कर जाएंगे। अच्छा इफ़ेक्टिव क्लियन कौन सी होंगी? इफ़ेक्टिव क्लियन वो होंगी जिसके लिए हमारे पास 2 कंडीशन हैं कि अगर मॉलिक्यूल्स सूटेबल एनर्जी के साथ एक दूसरे के साथ कोलाइड कर रहे हैं और उनकी ओरिएंटेशन प्रॉपर है, यानी जिस एटम ने दूसरे एटम के साथ बॉन्ड बनाना है वो एटम आमने सामने हो दोनों मॉलिक्यूल्स के, तो प्रॉपर ओरिएंटेशन हो, तो वो इफेक्टिव कुलियन होंगी। तो हमारे पास ये 2 कंडीशन है, यानी अगर कुलियंस हो रही हैं उनमें से अगर वो कुलियन जिनमें मॉलिक्यूल सूटेबल एनर्जी के साथ कोलाइड कर रहे हैं, प्रॉपर ओरिएंटेशन के साथ कोलाइड कर रहे हैं, उसके नतीजे में रिएक्शन होता है और प्रोडक्ट बनती है। अच्छा अब हम देख लेते हैं यूनिमोलिकुलर रिएक्शंस के लिए क्लेन थ्योरी क्या होगी। देखें यूनिमोलिकुलर रिएक्शंस वो रिएक्शंस होते हैं जिसमें सिर्फ एक मॉलिक्यूल हिस्सा ले रहा है, एक मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहा है। अगर सिर्फ एक मॉलिक्यूल हिस्सा ले रहा है तो उसे वो कोलाइड किससे करेगा? वो तो एक अकेला है। क्लेन के लिए तो कम से कम 2 मॉलिक्यूल्स का होना ज़रूरी है। तो इसके कन्फ्यूजन को एक्सप्लेन किया था लिंडमैन ने, इसलिए हम इसको यूनिमोलिकुलर क्लेन थ्योरी फॉर यूनिमोलिकुलर रिएक्शंस को लिंडमैन्स मैकेनिज्म भी कहते हैं। अकॉर्डिंग टू लिंडमैन के जब मॉलिक्यूल्स कोलाइड करते हैं तो वो सूटेबल एनर्जी एक्वायर कर लेते हैं जो उनको एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल बनाने के लिए ज़रूरी होती है। यानी हमने पहले भी बात की थी कि मॉलिक्यूल्स को रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने से पहले एक एक्टिवेशन कम्प्लेक्स बनाना पड़ता है, उसके लिए उनको कोई मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड होती है अदर देन द एनर्जी रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट इनटू द प्रोडक्ट। तो ड्यूरिंग कुलियन वो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर कर लेते हैं। तो ये सपोज हमारे पास 2 मॉलिक्यूल्स हैं, एक बिल्कुल एक तरह के हैं, ए प्लस ए, ये कोलाइड कर रहे हैं, उसके नतीजे में एक एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल बन रहा है और एक नॉर्मल मॉलिक्यूल बन रहा है। तो अब हमारे पास 2 पॉसिबिलिटीज़ हैं कि ये जो एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल बना है अगर इसको कोई और मॉलिक्यूल आके कोलाइड करता है तो ये वापस कन्वर्ट हो जाएगा। देखिए ये बना है और थोड़ी ही देर में विद इन सेकेंड्स एक और मॉलिक्यूल आता है और उससे कोलाइड करके और वापस नॉर्मल मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट हो जाता है। या दूसरी ऑप्शन ये है कि ये मॉलिक्यूल पड़ा हुआ है, कुछ टाइम इसको मिल गया कि कोई और मॉलिक्यूल आके इससे कोलाइड नहीं कर रहा और ये पड़ा हुआ है, इसको थोड़ा टाइम मिला है, स्टेबिलिटी इसने अचीव की, तो ये थोड़ी देर बाद प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है जी, अगर उसको टाइम मिल गया एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल को तो वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर उसे टाइम नहीं मिला, कोई और मॉलिक्यूल आके विद इन पार्ट्स ऑफ सेकंड उससे कोलाइड कर जाता है तो वो वापस जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स थे उनमें कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, अच्छा अब हमारे पास जो रेट ऑफ रिएक्शन क्या आ रहा है कि पहले हमारे पास क्या था कि 2 मॉलिक्यूल्स एक के कोलाइड कर रहे हैं, एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल बन रहा है और साथ नॉर्मल मॉलिक्यूल बन रहा है। अब इसका जो रेट ऑफ रिएक्शन है dx/dt डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन के। रिएक्टेंट हमारे पास है ए इंटू ए, तो ये हमारे पास प्रोपोर्शनैलिटी ख़त्म की है, k1 a इंटू ए, k1 a स्क्वायर आ गया।
दूसरी हमारे पास इक्वेशन थी कि जब वो एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल बन गया और कोई और मॉलिक्यूल आके उससे कोलाइड कर जाता है तो वापस नॉर्मल मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो जाता है। इसका जो रेट है इस इक्वेशन का वो रेट ऑफ रिएक्शन डी एक्स ओवर डी टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा रिएक्टेंट के। इस वक्त हमारे पास रिएक्टेंट ये हैं, कंसनट्रेशन ऑफ एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल इंटू कंसनट्रेशन ऑफ नॉर्मल मॉलिक्यूल। प्रोपोर्शनलिटी खत्म करेंगे तो यहाँ भी कॉन्स्टेंट लगेगा, यहाँ हमने अपनी कन्वीनियंस के लिए इसको के टू शो कर लिया है। तो के टू कंसनट्रेशन ऑफ ए इंटू कंसनट्रेशन ऑफ एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल। तीसरी हमारे पास इक्वेशन क्या थी कि अगर वो मॉलिक्यूल पड़ा हुआ है कोई और उसके साथ आके नहीं कोलाइड कर रहा तो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। इसका जो रेट ऑफ रिएक्शन है डी एक्स ओवर डी टी डायरेक्टली प्रोपोर्शन होगा हमारी रिएक्टेंट के। इस वक्त रिएक्टेंट ये है तो कंसनट्रेशन ऑफ दिस वन। प्रोपोर्शनैलिटी खत्म की, कांस्टेंट लगा, यहाँ हमने इसको कांस्टेंट को के थ्री से रिप्रेजेंट कर दिया। अच्छा, अकॉर्डिंग टू स्टेडी स्टेट लॉ रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल इज इक्वल टू द रेट ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल। यानी जितना वो बन रहा है और कुलियंस मुसलसल हो रही हैं उतना ही वो टूट के वापस नॉर्मल मॉलिक्यूल में भी कन्वर्ट हो रहा है। तो रेट ऑफ फॉर्मेशन एंड रेट ऑफ डिकम्पोजिशन एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल की इक्वल है। तो यहाँ से हम जो अब हम देखें तो हमारे पास तीन इक्वेशन थी, उसमें सिर्फ जो फर्स्ट वन है उसमें एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल बन रहा है, बाकी जो दो हैं के टू और के थ्री वाले उसमें एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल की डिकम्पोजिशन हो रही है। तो ये के वन ए स्क्वायर इज इक्वल टू के टू ए एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल इंटू नॉर्मल मॉलिक्यूल प्लस के थ्री एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल की कंसनट्रेशन, इनको हमने इक्वेट किया तो हमारे पास ये आ गया के वन ए स्क्वायर इज इक्वल टू दिस वन। हमने क्या किया, इन दोनों फैक्टर्स में एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल की कंसंट्रेशन कॉमन ले ली तो हमारे पास बाकी बच गया के टू कंसंट्रेशन ऑफ मॉलिक्यूल ए प्लस के थ्री। हमने एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल की कंसंट्रेशन को इधर ही रखा, बाकी पूरे फैक्टर को दूसरी तरफ ले गए हैं तो हमारे वो डिवाइड हो जाएगा जाके। कंसंट्रेशन ऑफ एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल इज इक्वल टू के वन ए की कंसंट्रेशन स्क्वायर के टू ए की कंसंट्रेशन प्लस के थ्री। ठीक है, अच्छा हमारे पास था प्रोडक्ट की जो हमारे पास इक्वेशन थी वो क्या था कि डी एम ओवर डी टी रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट किसके इक्वल थी। हमारे जो ये तीसरा स्टेप था, तीसरी इक्वेशन थी कि एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल पड़ा हुआ है और कोई इससे नहीं कोलाइड कर रहा तो वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है। तो दिस इज द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट, डी एम ओवर डी टी इज इक्वल टू के थ्री ए स्टार यानी एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल की कंसंट्रेशन। अच्छा, यहाँ पे हम जो एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल की कंसंट्रेशन की वैल्यू फाइंड आउट की है हम उसको इस इक्वेशन में पुट करेंगे और यहाँ से जब हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा के वन ए की स्क्वेयर ए की कंसंट्रेशन पावर टू के टू ए की कंसंट्रेशन प्लस के थ्री। अच्छा, यहाँ से हमने क्या किया है कि ये जो ए है ये इसके स्क्वेयर से कैंसिल आउट हो गया, हमारे पास डी एम ओवर डी टी इज इक्वल टू के थ्री डॉट के वन ए पावर टू के टू ए की कंसंट्रेशन प्लस के थ्री। दिस इज द इक्वेशन वन, ये हमारे पास आ जाती है फाइनली।